हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सौरभ सुभद्र प्रधान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। अभी मैं छत के ऊपर आई हूँ। सौरभ तो पहले से आ गया था सौरभ छत के ऊपर। देखिए सौरभ आके खेल रहा है अभी। पिजन किधर गए? देखिए सुबह सुबह सौरभ आके छत के ऊपर खेल रहा है। आज उसका छुट्टी है इसलिए वो आके खेल रहा है सुबह सुबह। क्या हुआ? पिजन पकड़ी है ना? हाँ बाबा, मामा आप उस रेयर पिजन को पकड़ी है। कौन सा पिजन? वो वहाँ जो खड़ा है, ये रेयर पिजन, दिस रेयर पिजन। ओ स्पॉटेड पिजन। कैसे मैं पकड़ पाऊंगी उसको? ये पिजन सब क्रोध में से डरते क्यों हैं? आपसे डरते हैं? हाँ। आप उनके पास जा रहे हो, वो नहीं डरेंगे आपको? आपके उनका फ्रेंड हो? हाँ मैं तो उनका फ्रेंड हूँ। और आपके पीछे कहाँ गया? आप मूढ़ी लेके आते हैं ना उनके लिए? हाँ जाओ जाओ, मूढ़ी लेके आओ, आएंगे। मामा उन्हें हॉट कीजिए। नहीं नहीं, मैं क्यों हॉट करूँगी। जा आप जाओ, मूढ़ी लेके आओ उनके लिए। सौरभ अभी गया है पिजन के लिए मूढ़ी लाने के लिए। और सौरभ अभी सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि सुबह उसका स्कूल रहता है ना, उसका आदत पड़ गया है, इसलिए वो छुट्टी के दिन में भी वो जल्दी उठ जा रहा है। शशांक जी अभी तक सो रहे हैं। देखिए सौरभ अभी मूढ़ी ला के उठ जा रहे हैं। आएंगे आएंगे, सब आएंगे। आएंगे आएंगे, वो आपसे डर रहे हैं ना इसलिए आ नहीं रहे हैं। क्या मुझे जानते नहीं है? मुझे जानते नहीं आपको? आप अगर रोज जाके उनको देते तो वो आपको पहचान लेते, वो आ जाएंगे। ऊपर भी तो बहुत बैठे हैं। हाँ वो आ जाएंगे, आप आ जाओ इस साइड में आ जाओ, वो आके खाएंगे सर। मूढ़ी ला के दे रहा है सौरभ उनको। सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है छत के ऊपर घूमने के लिए क्योंकि दिन भर तो गर्मी लगा रहता है और सुबह थोड़ा ठंडा हवा चल रहा है। शशांक जी अभी तक सोए हैं, उठे नहीं हैं। और सौरभ तो सौरभ सुबह बोला कि मामा मुझे जाके छत के ऊपर खेलना है। दिख रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपको जाना है घर? आप उनके पास क्यों जा रहे हो? अब जा रहे हैं तो फिर डर के मारे चले जा रहे हैं। मैं तो उन्हें छुप के देख रहा हूँ। आप घर नहीं जाना है आपको? नहीं अभी मैं जा रही हूँ। जाइए, मैं तो अब यहाँ पे खेलोगे अभी? ठीक है मैं जा रही हूँ। पानी लेकर आइएगा। पानी नहीं, मैं नहीं ला पाऊँगा। आप आइए, आओ घर। देखो सब आ गए हैं, सब आ गए हैं। अभी आके सब मूढ़ी खाएंगे। देखा? और भी आए। सौरभ जो मूढ़ी दिया था उसको आके खा रहे हैं। सौरभ बहुत खुश है। देखिए सौरभ का एक्सप्रेशन देखिए। सुबह सुबह उसके पास मत जाओ, ठीक है? बाबा मैं जा रही हूँ नीचे। ठीक है जाइए, आप यहाँ पे खेलो। ठीक है सौरभ अभी यहाँ पे खेल रहा है और मैं नीचे चाय चढ़ा के आई थी गैस में, जा रही हूँ। उनके पास मत जाओ, देखो उठ जा रहे हैं आपको देख के। देखिए सौरभ जो मूढ़ी दिया था कितने सारे पिजन सर के खा रहे हैं। देखिए लगता था उन्होंने खा लिया। उनके पास मत जाओ बाबा, मत जाओ। लगता है सबने बहुत खा लिया। आपको और लाना चाहिए था ना? उस लाल डिब्बे में और नहीं था, उसे कौन था। ओके ठीक है। अभी मैं घर में आ गई हूँ और शशांक जी अभी तक सो रहे हैं। यहाँ पे देखिए चाय भी बन गया है।
आज सौरभ का स्कूल नहीं है, लेकिन मैं मुझे जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे आज जाना है उसके स्कूल में। स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स का मीटिंग है। सो मैं चाय पी के थोड़ा बहुत काम कंप्लीट करके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। मुझे आज लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत सारा काम कंप्लीट करनी है। सारा काम तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर भी जितना होगा मुझे कंप्लीट करके फिर तैयार होके स्कूल के लिए निकलना है। सो गाइस, मैं चाय पी के फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज बीन्स और आलू का भाजी बना रही हूँ, बस रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा चीड़ा को मैं फ्राई करके रखी हूँ क्योंकि आज हमारे घर में मूढ़ी फिनिश हो गया है। ससंग जी को बहुत पसंद है चाय के साथ मूढ़ी खाना, लेकिन मूढ़ी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा चीड़ा फ्राई कर ली हूँ। वो खा लेंगे चाय के साथ, उनको बहुत अच्छा लगता है चीड़ा या मूढ़ी कुछ खाना। तो ब्रेकफास्ट में बस आज यही है, ग्रीन आलू का भाजी और रोटी। और कुछ दिन में बना नहीं पाऊँगी क्योंकि आज सब टाइम बहुत कम है। अभी मैं पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, मैं उधर पहुँच के फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। देखिए ये मेट्रो स्टेशन है, मैं मेट्रो से उतर के अभी और एक ऑटो पकड़ूँ और एक ऑटो पकड़ना पड़ेगा मुझे स्कूल पहुंचने के लिए। मेट्रो स्टेशन है, देखिए अभी ऑफिशियल टाइम पर कितना भीड़ है, ये कितना लंबा लाइन लगा है यहाँ पर टिकट के लिए टिकट काउंटर में। फुटपाथ में वॉक करके अभी ऑटो के लिए जा रही हूँ। अभी देखिए ये सब फुटपाथ है, ये वो छोटा छोटा स्टॉल है यहाँ पर, आपको पता नहीं आज क्यों सब बंद है। ये फास्ट फूड का दुकान है ना, वो सब शायद एक या दो घंटे के बाद खुल जाएगा। इतना सारा स्टॉल है देखिए। स्कूल पहुंचने के लिए मुझे अभी बस 5 मिनट ही लगेगा ऑटो में। देखिए कितना पसीना निकल रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है आज। 4 तारीख से तो सौरभ का ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, गर्मी की वजह से स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है। अच्छा हुआ ऑनलाइन हुआ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों को। बस 5 मिनट में मैं स्कूल पहुँच जाऊँगी। अभी ऑटो स्टैंड के पास ही पहुँच गई हूँ। देखिए यहाँ से सौरभ के स्कूल के लिए सारा ऑटो मिलता है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही, देखिए जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बांगुर नाम का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का नाम बांगुर है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। चलिए अभी तो लेट हो जाएगा, मैं ऑटो पकड़ के स्कूल पहुंच के आप लोगों के साथ बात करती हूँ। स्कूल के पास पहुँचे हैं, अभी भी 5 to 10 मिनट्स बाकी है अभी मीटिंग स्टार्ट होने में। यहाँ पे देखिए ये बस औरत का ट्रेन के मम्मी लोग हैं और वो भी ओडिया है, हमारे स्टेट का उड़ीसा का है। तो हम लोग अभी बैठ के हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे तीनों। देखिए ये सौरभ का स्कूल,
देखिए ये सौरभ का स्कूल है। दो साल के बाद आ रही हूँ स्कूल में, दो साल हो गया स्कूल में नहीं आई थी, पहली बार मैं स्कूल में आ रही आई हूँ। उधर कुछ फ्रेंड्स बुला रहे हैं मुझे, मैं उनके साथ बात करके फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। देखिए अंदर का डेकोरेशन है, स्कूल के अंदर का डेकोरेशन है, सौरभ का स्कूल का अंदर का डेकोरेशन है। पेरेंट टीचर का मीटिंग खत्म हो गया और मैं अभी ऑटो के लिए वेट कर रही हूँ। घर में सौरभ प्रशांत जी है सौरभ के पास, और मैं पहुंचने के बाद फिर शशांक जी ऑफिस के लिए निकलेंगे। अभी तक कोई भी ऑटो नहीं आया है, मैं बस वेट कर रही हूँ। अभी मैं ऑटो से उतर के घर जा रही हूँ, और आज बहुत मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्योंकि आज पीटीएम था ना, को कुछ मैम कुछ बोलेंगे सौरभ के बारे में, कुछ कंप्लेन आएगा, ऐसा सोच सोच के मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैम सब कुछ अच्छे अच्छे बोले कि नहीं सर ठीक ठाक है, ठीक ठाक कर रहा है। जब भी पी टी एम में मैं जाती हूँ बस मुझे बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि बच्चा है ना, कभी कुछ भी अगर प्रॉब्लम करता होगा मुझे तो पता नहीं चलता है स्कूल जाके क्या कर रहा है। लेकिन थैंक गॉड सब कुछ ठीक ठाक, अच्छा अच्छा सर्टिफिकेट मिला सौरभ को। ओह भगवान कितना गर्मी हो रहा है, ये बहुत पसीने से हालत ख़राब हो जा रहा है। मैं अभी पहुंचूंगी तो शशांक जी तुरंत निकलेंगे ऑफिस के लिए। यहाँ पे देखिए नटी बच्चा को, आज बहुत सारा कंप्लेन किए टीचर आपके बारे में, सुनाई दे रहा है कि नहीं? बहुत सारा कंप्लेन में आज मैम किए। मंडे को जाओगे तो फिर मार पड़ेगा आपके ऊपर। देखिए देखिए शशांक जी अभी रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। बाबा मुझे वाटर बॉटल का कवर नहीं मिला स्कूल में, नहीं मिला, नहीं पूरा चप्पा छप्पा छान मारा। आप छान नहीं मार रहे हो, मैं जाके आपके स्कूल में छान मारूं? नहीं दीजिए जो बाबा को दो मोबाइल दो, बहुत लेट हो गया, लेट हो गया बाबा, अभी निकलेंगे। आपको ढूंढना तो चाहिए, मैं आपके क्लास में बैठी थी। आपके क्लास में? हाँ आपके क्लास में ना, इंचार्ज आ गया ऑफिस में। नहीं इंचार्ज मैम के ऑफिस में क्यों बैठूं? मैं जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स आ गया समझ में? हाँ होमवर्क भी खत्म हो गया। शाम को क्या होगा? हैंडराइटिंग कंपटीशन। अब मैम बोल रहे हैं सौरभ बहुत गंदा हैंडराइटिंग लिख रहा है, शाम को हमारा कंपटीशन होगा। ओके हां जो जीतेगा उसको तंदूरी चिकन मिलेगा। पापा ही आपको सारा बदमाशी सिखा रहे हैं, ठीक है? अगर आप हार जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मामा क्या हुआ? पर्स कहाँ गया? पापा का पर्स लाओ तो बाबा। पर्स? हाँ पर्स कहाँ है? पर्स यहाँ नहीं है। चलो बाय बाय। आप किधर जा रहे हो? आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। एसी लगा के इधर मत जाओ। बाय। वो दरवाजा बंद करो, एसी लगा के दरवाजा खोल के खेल रहा है नोटी बच्चा। आज तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट बना के ही गई थी, मतलब लंच अभी तक मैं लंच नहीं बनाई हूँ। अभी जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। पहले एक बार नहा के गई थी, फिर अभी नहाऊँगी और एक बार, क्योंकि देखिए पसीना से हालत पूरा ख़राब हो गया है, और बाहर से भी आई हूँ। सो मैं अभी नहा के फिर खाना बनाऊँगी, लंच बनाऊँगी। मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं की थी, मतलब एक ही बनाना खा के मैं गई थी, टाइम नहीं मिला ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो गाइस आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।